तो गाइज आज के इस वीडियो में बहुत ज्यादा कुछ इन्फॉर्मेटिव बताने वाले हैं आपके बर्ड्स के लिए, तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। और गर्मी के इस मौसम के अंदर आप अपने बर्ड्स के लिए क्या कुछ कर सकते हैं, हम क्या करने वाले हैं, सब कुछ वीडियो के अंदर कवर किया गया है। तो चलिए वीडियो को करते हैं बिना देरी करे स्टार्ट। सो हेलो गाइज, आज का जो वीडियो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और लगभग दोपहर का 12 या 1 बज रहा है और इस समय पे अगर मैं वीडियो बनाने छत पर आया हूँ तो आप सोच सकते हैं कि कुछ बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। तो क्या करने वाले हैं वो कॉलोनी के अंदर चल के बता रहा हूँ। ये देख लीजिए कूलर भी चालू है कंटिन्यूसली और अभी जो सूरज है वो एकदम सर पर आ चुका है, मतलब कि एकदम दोपहर का समय हो रखा है। इस समय पर ये वीडियो भी शूट कर रहे हैं और आप सभी को बता रहे हैं कि अब जो है कॉलोनी के अंदर क्या करने की ज़रूरत आन पड़ी। तो चलिए वीडियो को करते हैं दोस्तों बिना देरी करें स्टार्ट। पर उसके पहले अभी तक भी जो दोस्त भाई नए चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को करें सब्सक्राइब, वीडियो को करें एक लाइक। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सो फटाफट से चलते हैं कॉलोनी के अंदर। कूलर अभी चल रहा है तो इसको करेंगे बंद क्योंकि आपको हमारी आवाज़ क्लियर नहीं आएगी अगर कूलर कंटिन्यूसली चलता रहेगा। तो ये यहाँ पर चल रहा है कूलर, इसको करते हैं सबसे पहले हम लोग बंद। और यहाँ पर पापा जी जो है बर्ड्स का दाना पानी वगैरह निकाल रहे हैं। और ये रही हमारी बर्ड्स की कॉलोनी दोस्तों, जो कि अभी बर्ड्स ऊपर नहीं है, आप लोगों को 2-3 वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिल रही होगी। बर्ड्स हैं इसके अंदर जो कि मुझे, मैंने कल के वीडियो में आपको बताया था, मुझे थोड़े थोड़े से कहीं ना कहीं कमज़ोर लग रहे थे, मतलब कि बर्ड्स जो है वो मुझे उतने हेल्दी नहीं लग रहे हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा तेज़ पड़ रही है, आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरह का मौसम हो रखा है। थोड़ी देर के बाद ये धूप और तेज़ बढ़ जाएगी। यहाँ पर ये पाइप वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा हैवी तप रहे हैं, देख सकते हैं आप। और अंदर यहाँ पर खड़े होने में भी जो है गर्मी लग रही है, मतलब इस समय पर मैं अगर खड़ा हूँ तो सीरियसली आपको बताऊं तो गर्मी फील हो रही है, थोड़ी देर के बाद और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो वही चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो यहाँ पर ये बर्ड, इनको भी गर्मी कहीं ना कहीं लग रही है और इस कारण से थोड़े से बर्ड जो है वो कमज़ोर भी हो रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको कल एक बर्ड दिखाया था, ये देख सकते हैं यहाँ पर, इसको मैंने फिर पकड़ के ORS भी दिया था, इसको नीचे हम लोग नहीं ले गए थे जो कि मैं वीडियो में बता रहा था। तो अब पूरे ही बर्ड्स को नीचे ले जाने का प्लान बन चुका है, फटाफट से पूरे बर्ड्स के पिंजरे ही नीचे ले चलते हैं और एक कमरे में चल के इनको ठंडे में थोड़ा सा रखेंगे, जिससे कि हमारे जो बर्ड्स हैं वो कहीं ना कहीं अच्छा फील करें। और जो है कि थोड़ा जो है इनकी हड्डी वाली प्रॉब्लम आ रही है, इससे शायद ये सही हो, इलाज वगैरह नीचे चल के ही बताएंगे आपको और क्या करने वाले हैं आप कॉलोनी के अंदर। चलिए फटाफट से वीडियो को कर देते हैं स्टार्ट। सो गाइज़ यहाँ पर कुछ मैं पिंजरे वगैरह निकाल रहा हूँ क्योंकि जो अंदर बर्ड्स हैं, मतलब जो हमारे फिशर हैं, उनके लिए एक अलग पिंजरे की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि वो बहुत बड़े पिंजरे में, तो ये छोटा वाला पिंजरा उनके लिए निकाल लेते हैं। फिशर बर्ड को इन पिंजरे से निकाल दिया हमने, ये बाहर उड़ रहे हैं, अब इनको पकड़ के करना है दूसरे पिंजरे के अंदर। तो फटाफट से हम इनको पकड़ने की कर लेते हैं दोस्तों तैयारी और उसके बाद इनको पकड़ के कर देते हैं हम दूसरे केज के अंदर। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से हम यहाँ पर छोटे केज के अंदर इन्हें ट्रांसफ़र कर रहे हैं, जिससे कि इन्हें प्रॉपरली कूलर की हवा लग पाए। और यहाँ पर पूरे ही फिशर हमने पकड़ लिए हैं, देख सकते हैं एक एक करके चारों उड़ रहे थे कॉलोनी के अंदर, चारों को पकड़ लिया है। और ये लास्ट वाला बचा, इसको भी पकड़ कर डाल देते हैं इस केज के अंदर और इन सबको लेकर चलते हैं कॉलोनी से बाहर। और कॉलोनी से बाहर चल के इनको नीचे शिफ्टिंग करने की करते हैं यहाँ पर तैयारी। सो गाइस यहाँ से हो चुकी है बर्ड्स की कुछ इस तरह से विदाई, हम लोग लेकर आ चुके हैं इन्हें बाहर और अब इनका चलेगा ट्रीटमेंट पूरा ही नीचे चल के। ये देख सकते हैं आप यहाँ पर आ चुके हैं हमारे पूरे ही बर्ड और अब इनका होने वाला है नीचे चल के थोड़ा सा ट्रीटमेंट, मतलब इनको प्रॉपरली जो मेडिसिन हमें प्रोवाइड करना है वो भी हम प्रोवाइड करेंगे वहाँ पर चल के, और थोड़ा सा ठंडक ज़्यादा मिल जाएगी इनको, तो जो ये प्रॉब्लम आ रही थोड़े से हेल्दी हो जाएंगे बर्ड। और अब इनकी प्रॉपर जो डाइट फॉलो करना है वो रोज़ वीडियो, मतलब हर अगले दिन मैं वीडियो डालने की कोशिश करूँगा कि इनकी डाइट अब हमें क्या फॉलो करानी है। जो आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, बहुत सारे भाई लोग कमेंट कर रहे हैं कि सर हमारे बर्ड भी कमज़ोर कमज़ोर से हो रहे हैं, तो इनकी प्रॉपर वहाँ पर ले चल के डाइट भी इनकी प्रॉपर फॉलो कराएंगे और साथ ही साथ इनको नीचे ले चल के जो बर्ड्स को डेली एक शॉट के माध्यम से भी मैं कुछ ना कुछ आपको बताता रहूँगा। चलिए चलते हैं इनको लेकर नीचे। सो गाइज़ ये बर्ड्स लेकर हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं, ये रहा वो रूम जिसमें हम इनको रखने वाले हैं थोड़ी ठंडक के अंदर। चलिए चलते हैं रूम के अंदर, वैसे भी रूम में लाइट नहीं है तो फ्लैश से काम चलाना पड़ेगा हमें। लाइट अभी यहाँ पर लगा देते हैं ऊपर और देन उसके बाद यहाँ पर इनकी शिफ्टिंग करते हैं इधर कहीं पर भी कॉर्नर पर। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर मुझे तो ठंडा ठंडा फील हो रहा है, पंखा भी लगा हुआ है प्रॉपर। और ये आ चुके हैं हमारे पूरे ही बर्ड्स, चलिए फटाफट से इनकी शिफ्टिंग करते हैं देन उसके बाद आपको दिखाते हैं। और ये शिफ्टिंग यहाँ पर फाइनली स्टार्ट हो चुकी है, यहाँ कॉर्नर पर हमने इनको शिफ्ट करने का इरादा किया है, इसके नीचे यहाँ पर कुछ बिछा देते हैं और फटाफट से दोनों ही केज को एक के ऊपर एक लगा के इनका दाना पानी भरने का जो है समय, पानी हम देंगे बाद में क्योंकि उसके अंदर मिक्स करके देनी है कुछ मेडिसिंस। तो फटाफट से दाना प्रोवाइड करते हैं और पानी के देने की करते हैं तैयारी।
सो गाइस अब थोड़ी देर हो चुकी है, इनको देने का समय है। अब यहाँ पर ये पानी आप देख सकते हैं, पानी मैंने लाकर रख दिया था, और जो हमने यहाँ पर इन्हें सॉफ्ट फूड प्रोवाइड करा था इन्होंने खा लिया है पूरा। यहाँ पर देख सकते हैं फैला भी दिया है थोड़ा सा। ऊपर वाले बर्ड्स ने तो पूरा नीचे ही गिरा दिया मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि इनका ढक्कन में बिल्कुल भी सॉफ्ट फूड नहीं है, इन्होंने भी खा लिया होगा। और जो अभी ये थोड़े से आप देख सकते हैं यहाँ पर ये फूले हुए बर्ड हमें दिख रहे हैं, ये जो थोड़े से आप देख रहे होंगे ये हल्के हल्के फूले दिख रहे हैं, इनके इलाज की आ चुकी है बारी, क्योंकि इनको जरूरत है यहाँ पर कैल्शियम और विटामिन्स की, क्योंकि हम यहाँ पर लेकर आ चुके हैं। तो ये रहा हमारा कैल्शियम जो कि है ऑस्ट्रोराइड, दोस्तों आपने कई बार पहले भी देखा होगा, और ये है हमारा विमरल। तो ऑस्ट्रोराइड और विमलर को मिलाते हैं ये पानी के अंदर, यहाँ पर पानी हम लोग लेकर आ जाते हैं, लगभग 1 लीटर पानी लेंगे, 1 लीटर पानी के हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ इतने बर्ड्स के लिए। और देन उसके बाद दोस्तों आप जो बर्ड्स की कंडीशन है 2 से 3 दिन के बाद देखेंगे बहुत ज्यादा चेंजेस होने वाले हैं हमारे बर्ड्स के अंदर। यहीं पर ही इस रूम में अब हमें रखने वाले हैं, ये इनका पंखे वगैरह की व्यवस्था भी यहाँ पर है, अभी थोड़ी देर से हम पंखा भी चालू कर देंगे जैसे ही यहाँ पर हम वीडियो बनाना बंद करते हैं। चलिए फटाफट से जो है यहाँ पर इस मेडिसिन को कैसे प्रोवाइड करना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। सो गाइज यहाँ पर आ चुका है हमारी दोनों ही मेडिसिन, जिसमें कि पहली मेडिसिन मेरे पास है ऑस्ट्रोवेट जो कि है कैल्शियम, और साथ ही साथ ये है विमरल जो कि है मल्टी विटामिन। अब इन दोनों को 30 ml का हमारे पास विमरल है और आधा लीटर का मेरे पास ऑस्ट्रोवेट है। इन दोनों को आपस में मैं मिक्स करूंगा, क्योंकि इन्हें आपस में मिक्स किया जाता है। यहाँ पर बॉटल पे भी आप देख सकते हैं ये इस तरह का बना हुआ स्टिकर, और यहाँ पर बताया गया है प्रॉपरली कैसे इनको मिक्स करना है। और देन उसके बाद इसको 1 लीटर के अंदर हम 5 ml के लगभग प्रोवाइड करने वाले हैं। चलिए फटाफट से इन दोनों को कर लेते हैं यहाँ पर मिक्स। कभी कभी ऐसा होता है काम करते हुए पानी भी फैल जाता है, चलिए साफ करते हैं फिर मिक्स करके दिखाता हूं। सो गाइस ये देख सकते हैं यहाँ पर, और काफी जबरदस्त क्वालिटी देख सकते हैं यहाँ पर, एकदम गुलाबी कलर का यहाँ पर ये देखने को हमें मिल रहा है। ये साथ में इसके हम लोग यहाँ पर विमरल को खोल लेते हैं, कैल्शियम मल्टीविटामिन दोनों को करने वाले हैं गाइस हम यहाँ पर हम मिक्स। ये देख सकते हैं अब इसका कलर थोड़ा सा जो है यहाँ पर डार्क होने वाला है, क्योंकि ये येलो कलर का हमने जो है यहाँ पर मल्टीविटामिन मिक्स किया है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये गुलाबी कलर का था हमारे पास ऑस्ट्रोवेट। तो चलिए फटाफट से करते हैं दोनों को ढक्कन लगाकर मिक्स एंड मैश। सो गाइज अब देख सकते हैं इसका कलर यहाँ पर हो गया होगा चेंज, है ऑस्ट्रोवेट देखने के लिए हो जाते हैं हम सब तैयार। और ये देखिए दोस्तों जो कलर है वो हल्का सा यहाँ पर थोड़ा सा डार्क सा हो गया है, जो गुलाबी नेस थी वो थोड़ी सी कम हो गई, गुलाबी पन जैसे हम बोलते हैं। तो चलिए फटाफट से ये पानी को डाल लेते हैं हम इसके अंदर, यहाँ पर लगभग 1 लीटर के आसपास पानी होगा, तो आपको 1 लीटर के पैमाने में मैं बता रहा हूँ मिलाना कितना है, और बाकी का जो रहेगा फिर आप लोग उसको आधा कर लीजिए अगर आधा लीटर में मिलाते हैं। ये ढक्कन होगा लगभग 4.5 से 5 ml का, तो इस ढक्कन को एक पूरा फुल ढक्कन भर के यहाँ पर हम लोग इसमें प्रोवाइड कर देंगे, 4.5 या 4 ml के लगभग होगा, ज्यादा नहीं है ये। तो ये हो गया थोड़ा सा, और इसको थोड़ा सा और 1 आध ml और ले लेते हैं, 1 से 1/2 ml, तो ये हो जाएगा हमारा पूरा 5 ml के लगभग का दोस्तों यहाँ पर एक स्कूप हो गया। इसको पानी को देखिए इस तरह से मिक्स करेंगे, और पानी हो जाएगा हमारा लगभग गुलाबी कलर का। ये देखिए ये हो चुका है हमारा गुलाबी कलर का, हफ्ते में 3 बार हमें इसे प्रोवाइड करना है। चलिए फटाफट से अपने डब्बे में भरते हैं पानी के, और इसे प्रोवाइड करते हैं अपने बर्ड्स को। सो गाइस चलिए फटाफट से ये पानी जो है इनको प्रोवाइड करते हैं, आ जाइए यहाँ पर, ये हैं हमारे बर्ड्स, और लगभग मुझे ऐसा लग रहा है ये प्यासे हो चुके होंगे, क्योंकि बहुत देर से इनको मैंने पानी प्रोवाइड नहीं करा है, लगभग 1 घंटा हो गया है, तो प्यासे हो जाना स्वाभाविक है, नहीं हुए होंगे तो थोड़ी देर से ये पानी पी लेंगे। आप देखिए पानी की क्वालिटी जो है जो कुछ इस तरीके की, पास लगा दिखाइए कुछ इस तरीके की क्वालिटी हो चुकी है पानी की, और हफ्ते में 2 से 3 बार 4 बार तक भी देंगे अभी चलेगा, क्योंकि अभी चल रहा है हमारा गर्मी का सीजन। आइए फटाफट से अपने बर्ड्स को करते हैं इसको प्रोवाइड, और मुझे ऐसी उम्मीद है कि जैसे ही प्रोवाइड करेंगे उसके थोड़ी देर बाद ये पीने के लिए उतर आएंगे, और अगर ये उतरते हैं दोस्तों तो वो भी वीडियो में अभी आगे दिखा देता हूँ आपको। या नीचे प्रोवाइड कर दिया है, अब यहाँ कर देते हैं ऊपर प्रोवाइड। पूरे ही बर्ड्स देख सकते हैं काफी अच्छा फील कर रहे हैं ऊपर से आने के बाद, जो हमारा एक बर्ड बीमार था यहाँ पर, ये नीचे तरफ है भी, मैं आपको दिखाऊंगा क्लोजली, वो बर्ड काफी अच्छा है, कल से मुझे उसकी कंडीशन अच्छी लग रही है। अब देखते हैं थोड़ा सा दूर होने के बाद कि क्या हमारे बर्ड्स इसको पी रहे हैं या नहीं पी रहे हैं। तो देख लीजिए हम लोग थोड़ा सा दूर आ चुके हैं यहाँ से, और देन उसके बाद अभी देखिए बर्ड्स तो ऊपर से आए हैं छत पे से, तो उतना ज्यादा अभी जो है वो मुझे ऐसा लगता है सुबह हमने पानी दिया था तो प्यासे नहीं हुए होंगे, थोड़ी देर के बाद इनकी कंडीशन जो रहेगी वो
पानी वगैरह पियेंगे तो और अच्छी होगी, 2-4-5 दिन के बाद इनकी ग्रोथ जो है और अच्छी होने वाली है। तो ये है कुछ हमारे बर्ड्स की कंडीशन, क्लोजली भी आप देख सकते हैं, बड़ा ही जबरदस्त है जो है इनका हेल्थ, मुझे ऊपर से आने के बाद नीचे लग रही है। आने वाले समय में 1-2 दिन में और हमें समझ में आ जाएगा दोस्तों। तो आप अपने बर्ड्स को ये हमारा ऑस्ट्रो वेट जो है प्रोवाइड कर रहे हैं या नहीं ये आप जरूर से बताइएगा, नहीं कर रहे हैं तो ये इनका सबसे अच्छा अभी सप्लीमेंट है। गर्मियों के समय आप ORS भी प्रोवाइड करिए हफ्ते में 1-2 बार तक, और ये हमारा ऑस्ट्रोवेट और मल्टी विटामिन का मिश्रण भी आप इसे प्रोवाइड करिए। क्वांटिटी मैंने आपको बता दी है, और भी कोई आपको डाउट रहता है आप मुझे कमेंट करके जरूर से बताइएगा दोस्तों। मिलते हैं फिर से अगले इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू गाइस।